उज्जैन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मध्यप्रदेश का बंटाधार हो गया था। मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बनाने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। इस बार का चुनाव मध्यप्रदेश के भविष्य का चुनाव है। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने उज्जैन जिले की 7 विधानसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश के लोगों को ये बात समझनी होगी कि इस बार उन्हें विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री के चयन के लिए वोट नहीं डालना है, बल्कि मध्यप्रदेश और भारत के भविष्य को लेकर वोट डालना है। उन्होंने दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल की तुलना बीजेपी के कार्यकाल से की है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में 18 सालों की सरकार में काफी परिवर्तन आया है। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में जहां मध्यप्रदेश का बजट 23,000 करोड़ का हुआ करता था, ये बढ़कर अब 3,10,000 करोड़ का हो गया है। गृह मंत्री शाह ने कहा, जो मध्यप्रदेश के पड़ोसी राज्य गुजरात से आते हैं, वे जब दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं तो दाहोद निकलने के बाद नींद खुल जाती है। जैसे ही मध्यप्रदेश की सीमा लगती थी, वैसे ही गाड़ी गड्ढों में हिचकोले खाने लगते थे, जिससे पता चलता था कि मध्यप्रदेश आ गया है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह 60,000 किलोमीटर की सड़क देकर गए थे, जिसे बीजेपी सरकार ने 5,10,000 किलोमीटर की बनाकर लोगों को बड़ी सुविधा मुहैया कराई है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए वार्षिक हुआ करती थी, जो बढ़कर 1,40,000 से ज्यादा हो चुकी है। इससे मध्यप्रदेश के विकास का पता चलता है। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा, बीजेपी सरकार ने धारा 370 हटाने, राम मंदिर, महाकाल लोक बनाने जैसे काम किए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेता जब उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन इस बात को भी उन्हें स्वीकारना चाहिए कि मध्यप्रदेश के प्रति व्यक्ति पर 41,000 रुपए का कर्जा हो चुका है। मध्यप्रदेश की हालत बेहद खराब हो चुकी है। बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ी और किसानों की आमदनी काफी कम हो गई है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।